बहुत सर्दी है यहाँ पर। पदयात्रा करते हुए हम जा रहे हैं बद्रीनाथ मंदिर की ओर। बहुत सर्दी है यहाँ पर, जोशीमठ से यहाँ पर 10 डिग्री कम है। तो बद्रीनाथ का टेम्परेचर कितना है? 8:50 हो रहे हैं और टेम्परेचर अभी की 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। 4 डिग्री फील भी हो रहा है यहाँ पर, हाथ की उंगलियां सिकुड़ गई हैं। और फीलिंग 4 डिग्री से भी कम की है, 2 के आसपास की महसूस हो रही है फीलिंग। और जैसा कि बोलने में हमें दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन लेवल भी यहाँ पे चलने के कारण थोड़ी कम हो रही है। तो हम लोग आराम आराम से जाएंगे और हमारा जो लगेज था होटल में छोड़ दिया है जोशीमठ में, जब लौटेंगे तो वहाँ से लगेज लेते हुए हम वापस जाएंगे। पीछे है गर्म पानी अकाउंट जिसे नारा कुंड कहते हैं और वहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। प्रसाद ले लिया है, मंदिर में जाने वाले हैं, लंबी लाइन लगी हुई है। जय श्री शारदा। मंदिर की लाइन में लग चुके हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, लंबी लाइन है, इंतजार कर रहे हैं कब हमारा नंबर आए और मंदिर के अंदर जाएं। मंदिर के अंदर पड़ाव पे आ चुके हैं और बस मंदिर जाने वाले हैं। पीछे देखिए कितनी भीड़ पड़ती है। Afro, whoa. तो फाइनली दर्शन कर लिए हैं और भाई काफी भीड़ थी पर दर्शन हो गए। मंदिर के बाहर बैठे हैं और सामने का नज़ारा देखिए, दर्शन भी हो गए हैं। La 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 la
बद्रीनाथ से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं माना गांव की तरफ। कहते हैं ये इंडिया का आखिरी गांव है। चलते हैं, मिलते हैं माना गांव। श्री वेद व्यास गुफा।